भक्ति में लोगों को मग्न करने आ रहा जल्दी हिंदी सीरियल कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता। मुंबई स्थित मलाड़ के मंड में सीरियल कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता का मुहूर्त ग्लोबल एडवर्टाइजर के चेयरमैन संजीव गुप्ता के हाथों संपन्न हुआ। कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता के मुहूर्त के साथ ही सीरियल की शूटिंग की शुरुआत भी की गयी। इस सीरियल के निर्माता गोवर्धन फलोड़ और कोमल फलोड़ है। एपिसोड बन रहा है जो एपिक चैनल पे दिखने वाला है एवरी सैटरडे 8 से 9 बजे तक, सैटरडे संडे को। और ये दिखाएगा कि भक्ति में शक्ति, जो हमारे देश का वो है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। कृष्ण भक्त नरसिम्हा मेहता का एपिसोड है, बहुत अच्छी तरह शूट हो रहा है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है। आप सब देखिए और मेरी बहुत बहुत ढेरों बधाई शुभकामनाएं। देखिए, राधे माँ जी का आशीर्वाद है, उनका उनकी प्रेरणा से उनने मुझे जो आशीष दिया है और जो उनने मेरे को ज्ञान दिया है कि भक्ति का जहाँ पर भी कार्यक्रम हो जी, वहाँ पर अपने होर्डिंग जो भी यथाशक्ति जो भी खाली रहेंगे उस समय दिए जाएंगे। तो जब भी प्रोड्यूसर साहब हमें बोल देंगे जी, तो लगा दिए जाएंगे। का ही है सो ये एक भक्त के फैमिली की कहानी है कि वो एक भक्ति करता है और भक्ति से भगवान उसकी कितनी सहायता करते हैं इसके ऊपर है। एक फैमिली को भक्कर से बच्चों के ऊपर रहेगा जी। जब 10-15 एपिसोड होने के बाद में अच्छे नामी चेहरे भी आएंगे और उसका टाइटल सॉन्ग वगैरह सतीश देरा जी गा रहे हैं और वैसे मार्केट के सब आर्टिस्ट लिए हैं इसके अंदर, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और मैं कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छी सोच और अच्छा सुर, माता शारदा से भी कहता हूँ कि इसका बहुत आपको आनंद मिलेगा संगीत को सुन करके। और इसका टाइटल भी कल यानी कल या तो परसों रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। बीच बीच में ये तो पूरा म्यूजिकल सब्जेक्ट है, इस पर पूरा संगीत ही मैं है, पूरा नरसिंह मेहता बोला तो संगीत का रूप एक दूसरा है। तो इसमें बहुत सारे भजन, बहुत सारी कृतियाँ आपको सुनने को मिलेगी। पुनः एक बार मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थोड़ा सा आप गुनगुना के बताएं अभी राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा जपो राधे कृष्णा जपो राधे कृष्णा जपो राधे कृष्णा जपो राधे कृष्णा जपो। फलोड़ है और मैं बहुत खुशी हूँ कि आज मेरे डैड का इतना अच्छा सीरियल आ रहा है, जो वो इतने बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के, आज उनका ड्रीम सक्सेसफुल हो रहा है कि उनको ये सीरियल बनाना था नरसिंह मेहता के ऊपर। एंड देन अंकल का स्टार्ट हो रहा है, देन मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ये शो देखिए एंड फुल सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर। रिसर्च और ट्रीटमेंट के अलावा मैं इस शो की दूसरी बात में प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जिस तरह से आज नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, नैतिक मूल्य नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं मीटू कैंपेन चल रहा है, सब चल रहा है, नैतिक मूल्य का हनन ही है। ऐसे समय में इस तरह के शो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको आपके धर्म से जोड़ते हैं, आपकी परंपरा से जोड़ते हैं, आपको संस्कार से जोड़ते हैं, जो आपको समाज से जोड़ते हैं आपको, तो इस तरह के वो है ही नहीं। और जो ऐसे सचमुच के पात्र जो आपको प्रेरणा देते हैं, अगर अभी तक आपने देखा जिस तरह से बातें चल रही हैं, तो दिखाने वाले पात्र अलग हैं और जीवन के पात्र अलग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के पात्र पर हम काम करें जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, संस्कार मिले, आशीर्वाद इनका हम ले सकें। तो इसी भाव को लेकर हमने नरसिंह मेहता जी को किया और ये कई सौ साल पुरानी सच्ची घटना है, 500 साल पुरानी घटना है। तो इसको हम उसी तरह का समय का लुक देते हुए, वही ट्रीटमेंट देते हुए कि लोगों को लगे 500 साल पहले की घटना को आज वो साक्षात अपने ड्राइंग रूम में, अपने टीवी वेब सीरीज़ हैं या वो करके, तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, अरबों की संख्या है, अरबों की संख्या में और बड़ी अरबों की संख्या जो चिंतित है, परेशान है, अशांत है, उनको शांति देने के लिए, उनको समृद्धि देने के लिए, उनको सुख देने के लिए इस तरह कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके भाभी का कैरेक्टर निभाया है, नरसिंह मेरे देवर हैं और ये सीरियल जो है भक्ति पर आधारित है। और हमारे प्रोड्यूसर जी हैं
गोवर्धन सर, इन्होंने मुझे पहली बार ब्रेक दिया है और मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे जी हाँ, आसान तो नहीं है लेकिन मुझे प्रूव करना है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। मेरा नाम आयुष पाठक है और मैं लीड रोल में हूँ, नर्सी में हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया, ये नेगेटिव रोल कर रही हैं और मैं इनका देवर हूँ। और थैंक यू टू प्रोड्यूसर गोवर्धन सर, उन्होंने मुझे कास्ट किया इसके लिए। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा सीरियल को अच्छा करने के लिए। और कैरेक्टर है प्रेमा करके, नौकरानी का कैरेक्टर है और मुझे गोवर्धन सर ने फर्स्ट टाइम इसमें ब्रेक दिया है। तो मुझे बहुत गीता सिंह है, मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ और काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स मैंने किया है। पिछले 6 साल की एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैं मिसेस इंडिया भी हूँ और मिसेस इंडिया यूनिवर्स भी हूँ, नॉर्थ ईस्ट विनर। और अभी मेरी कुछ मूवीज़ की भी काम चल रही है, पर मैंने ऐसे माइथू सीरियल्स जो है मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ सर के साथ। लेकिन मेरा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाऊँगी दूसरे करेक्टर पर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी करेक्टर मैं प्ले करूँगी जो मैंने कभी पहले नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा मैं नेगेटिव करती हूँ, इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। और गोवर्धन सर के साथ मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी रही, मैंने पहले भी उनके साथ एक काम किया सीरियल्स में और बहुत मज़ा आया। और ये जो भक्ति टाइप ऑफ सीरियल्स आती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सास बहू का जो चक्कर है ये सब देखते देखते लोग बोर हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग थोड़ा सा चेंजेस भी हो तो आई थिंक अच्छा रहता है। जब भी हम लोग, आप लोगों को भी पता होगा, जब हम लोग कभी मंदिर में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।